नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम दादी और नानी के साथ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जो सेहत समस्याओं के लिए बड़े काम के हैं। आप भी इन्हें जरूर आजमाएं। दोस्तों, ये बेहद अनुभव दादी और नानी के नुस्खे हैं। कई छोटी मोटी सेहत समस्याएं तो ऐसी हैं जिनके लिए अक्सर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि इन्हें तो कई बार घरेलू उपायों से ठीक किया जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं ऐसे 7 घरेलू नुस्खे जो दादी नानी के समय से चले आ रहे हैं और सेहत समस्याओं को तुरंत आराम देने में सहायक होते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं। पहला, गैस की तकलीफ से तुरंत राहत पाने के लिए लहसुन की 2 कली छीलकर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाकर खा जाएं, फौरन आपको आराम लगेगा। दूसरी, प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से उल्टी आना तुरंत बंद हो जाता है। तीसरी चीज, सूखे तेज पान के पत्तों को बारीक पीसकर हर 3rd दिन 1 बार मंजन करने से दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं। चौथी चीज, हिचकी चलती हो यानी बार बार हिचकी आ रही हो तो 1 से 2 चम्मच ताजा शुद्ध घी लें और उसको गर्म करके सेवन करें, आपकी हिचकी आना बंद हो जाएगी। पांचवी चीज, ताजा हरा धनिया मसलकर सूंघने से छींके आना तुरंत बंद हो जाता है। छठा, प्याज का रस लगाने से मस्सों के छोटे छोटे टुकड़े होकर जड़ से अपने आप गिर जाते हैं। सातवां उपाय, यदि नींद ना आ रही हो या नींद ना आने की आपको शिकायत हो तो रात में सोते समय तलवों पर सरसों का तेल जरूर लगाएं, इससे बेहद अच्छी नींद आती है। दोस्तों, ये नुस्खे कई हजारों साल पुराने हैं और यह हमारी घरेलू किताबों में भी मिलते हैं और दादी नानी और गांव के बड़े बुजुर्ग इनको हमेशा आजमाते चले आए हैं। वही नुस्खे आज हमने आपको बताए हैं। ये ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये यदि फ़ायदा नहीं करते तो नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो आप इनको एक बार ज़रूर आजमा के देखें। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।